प्रशांत 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 उठो, अरे प्रशांत को हो जाओ, प्रशांत प्रशांत ऐसा बोल इकट्ठा करो, आपको मैं सर पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों सर, मैं क्यों? क्योंकि इस केस के आप अकेले के एविडेंस हो। चलिए चलिए। हाँ तो बताइए, क्या करने गई थी आप वहां पे? मैं प्रशांत से मिलने गई थी। किस लिए? ऐसे ही कैजुअली मीटिंग। अच्छा, तो कितने टाइम से आए थे आप प्रशांत को? पिछले 8 साल से मैं प्रशांत को जानती हूँ, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से मिलकर भी करते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर माफ कर सकते। कुलकर्णी गाड़ी निकालो। कुलकर्णी इस घर की तलाशी लो। जी सर। सर, मुझे लगता है गरिमा को पुलिस स्टेशन बुला के पूछना पड़ेगा, इसके साथ में ये लड़की कौन है। ये फोटोग्राफ रखते हैं और पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ तो बताइए, क्यों मारा प्रशांत को? सर मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने प्रशांत को नहीं मारा है। झूठ ना बोलो, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले। सर ये इस लड़की को तो मैं जानती हूँ, ये तो सुषमा है। मैंने और प्रशांत ने मिलकर इसे फंसाने का प्लान किया था, लेकिन प्रशांत की मौत हो गई। कितना घिनौना काम किया तुमने और प्रशांत ने साथ में मिलकर, तुम पे तो 420 का चार्ज लगेगा। कुलकर्णी इसे लेके जाओ, देखते हैं कब तक सच बताती है। आपको हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? प्रशांत के कत्ल के इल्जाम में। चलिए कुलकर्णी ले चलो। चलो चलो। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। हाँ तो सुषमा जी बताइए, क्यों किया आपने प्रशांत पर? सर प्रशांत मुझे और मेरे पापा को मिलकर धोखा दे रहा था, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाने पड़े। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो तो अब हो गया। प्लीज चुप हो जा बेटा। चुप हो जाओ दीदी। देखो बेटा, अब रोने से क्या फायदा बेटा, भैया के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो चुकी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और सुषमा के साथ आकर रहो, जिससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सुषमा बेटा का सामान तैयार करो बेटा।
चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे प्रशांत बेटा आओ 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 बेटा, बस मजे में बैठो बेटा। अरे रोहिणी बेटा जरा बाहर आना। देखो बेटा ये प्रशांत है, बहुत ही होनहार लड़का है और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूँ, अगर तुम्हारी सहमति हो तो। बेटा चाचा जी, पापा के जाने के बाद अभी आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, जब तुम्हें मंजूर है और तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगी तो मैं तुम्हारी इससे शादी पक्की करवाता हूँ। पापा आपको तो पता था ना कि प्रशांत और मैं एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी आपने प्रशांत की शादी रोहिणी दीदी से फिक्स करवा दी। तो बेटा गुस्सा क्यों हो रही हो, ये सब मेरी और प्रशांत की मर्जी से ही हो रहा है। ओह, तो इसमें तुम भी शामिल हो। बेटा ये शादी एक दिखावा है, तुम सोचो एक बार रोहिणी की शादी प्रशांत से हो गई तो शादी के बाद रोहिणी की सारी प्रॉपर्टी प्रशांत की, और प्रशांत की मतलब तुम्हारी। फा पापा, मान गई मैं आपकी बुद्धि को। अब मैं निकलता हूँ। ठीक ओके। हाय हाय, कैसी हो? बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक। आप यहाँ पर, चाचा जी तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब आ ही गया हूँ तो कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिता लेता हूँ। ठीक है बैठिए। कैसी हो? मैं अच्छी। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, डर क्यों रही हो? हमारी शादी होने वाली है। डोंट वरी। आप मेरे साथ कब आप? क्या कर रहे थे तुम अंदर दीदी के साथ? कुछ भी तो नहीं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। अरे वो तो रोहिणी ने जबरदस्ती की, इसीलिए मुझे करना पड़ा। अगर मैं नहीं करता तो प्रॉपर्टी हमारे हाथों से चली जाती, समझो इस बात को। फिर ठीक है। जान, हमारे हाथ एक और बड़ी मछली लगी है। कौन? सुषमा की कजन बहन रोहिणी। हम इतने लोगों को कैसे निपटाएंगे? अरे रोहिणी को तो सुषमा और मनोहर लाल रास्ते से हटा देंगे, और उन दोनों को हम मतलब एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। ओह स्वीट।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, जैसी करनी है वैसी पढ़नी है। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया है, इसके लिए कानून आपको कभी छोड़ेगा नहीं। खैर, कानून आपको अब छोड़ेगा नहीं, इसको लॉकअप में लॉक करो। जी सर। चलिए चलिए।